राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई बुधवार से शुरू हो गई। इसका नतीजा यह रहा कि अक्टूबर के दूसरे दिन भोपाल खूब तपा। तेज धूप की वजह से तापमान में दूसरे दिन भी उछाल देखने को मिला, जहां पारा 35 डिग्री के पार पहुंच गया। दिन भर लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ा। हालांकि नमी बनी रहने से आज शहर के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल बने रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यासी रंजन ने बताया कि पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बुधवार देर रात बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम साफ बने रहने के साथ ही तेज धूप देखने को मिली। भोपाल में भी दिन भर लोगों को तीखी धूप का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की बात करें तो भोपाल में इस मानसून सीजन सामान्य से करीब 38% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक टीम मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पश्चिम मध्य प्रदेश में कल कुछ जगहों में बारिश दर्ज किया है, थंडरस्टॉर्म भी दर्ज किया। पूर्व मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर एक्सपीरियंस किया। सबसे ज्यादा बारिश वेस्ट एमपी में रायसेन में हुआ 9.4 मिलीमीटर और सबसे अधिकतम तापमान वेस्ट एमपी में राजघर में रिपोर्ट हुआ 36.3 डिग्री और ईस्ट एमपी में खजुराहो में 36.8 डिग्री रिपोर्ट हुआ। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून का विड्रोवल आज एमपी में आज मानसून विड्रोवल कर रहे हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में जैसे ग्वालियर, दतिया, शिवपुर कला, शिवपुरी ए रीजन में मानसून आज विड्रो कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये रीजन में और विड्रो होने का चांसेस है। बट एक बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम 4 तारीख को बनने का चांसेस है, इसलिए ईस्टर्न साइड का विड्रोवल अभी भी और थोड़ा टाइम लगेगा। ये सिस्टम के हिसाब से हमने फोरकास्ट जारी किया है। आज लगभग सारे रीजन में ड्राई वेदर है। साउथ वेस्ट एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म दर्ज होने का चांसेस है और कल भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ आइसोलेटेड रेनफॉल का चांसेस है ईस्ट एंड वेस्ट एमपी में। और तीसरे दिन में ज्यादातर वेदर नहीं है, आइसोलेटेड बारिश का चांसेस है और 5 तारीख से ये जो ईस्टर्न साइड में बारिश बढ़ने का मतलब थंडरस्टॉर्म के साथ साथ मॉडरेट रेनफॉल का चांसेस है। 5th और 6th तारीख को देखा गया तो ईस्टर्न एमपी के कुछ कुछ जगहों में आइसोलेटेड बारिश साथ साथ थंडरस्टॉर्म रहने का चांसेस रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 दिन मौसम इसी तरह बना रहेगा। फिलहाल दिन भर तेज धूप के बाद रात को तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इस दौरान कहीं भी तेज बारिश की संभावना नहीं बन रही है। 5 अक्टूबर के बाद से भोपाल सहित प्रदेश भर से मानसून विदाई ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण में बनी ट्रफ लाइन प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से जाती दिखाई दे रही है। इसके चलते हवाओं में हल्की नमी देखने को मिल रही है। इसी कारण से प्रदेश के कई जिलों में हल्के बादल भी देखने को मिल सकती हैं।